Hey guys, good morning. So, second chapter coming up. कैसे आप सब? पूछना भूल गई, सॉरी. तैयारी कैसे चल रही है? आने वाला एग्जाम 14 दिसंबर, और आज क्या है? टुडे इज द सॉरी फोर्थ. 10 days लेफ्ट. सो वी कमिंग अप विद सेकेंड चैप्टर आपकी रिविजन सीरीज में, वन शॉट में. सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन. लेट मी टेल यू, ये वाला जो चैप्टर है ये टोटली एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर का मतलब कि इसमें से शोर शॉट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से न्यूमेरिकल्स तो 100% आने ही वाले हैं. ओके, सो न्यूमेरिकल्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, रियॉल्स लॉ के, वो सारे आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है. डेल्टन्स लॉ और रियॉल्स लॉ को मिक्स करके जो एक आपका वेपर फेस में पड़ता है कॉम्पोजिशन, वाई की वैल्यू याद है ना, एनसीईआरटी में वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं? नंबर वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट. वैन्ट ऑफ फैक्टर वगैरह आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुका है. सेकेंडली, रियॉल्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रियॉल्स लॉ और डेल्टन्स लॉ को, दोनों को ज्वाइन करके जो हमारा एक न्यूमेरिकल बेस बनता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन हेनरीज लॉ, उसमें से भी हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन सॉल्यूशंस की. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी हैव बीन पुट ऑन द यूट्यूब. 25 क्वेश्चंस मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ. उस वाले को जिन्होंने नहीं देखा है, आफ्टर लुकिंग एट दिस चैप्टर प्लीज वो वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं. रियॉल्स लॉ के है, डेल्टन्स लॉ के है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के है, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आ देयर. तो उसको आप जरूर देख लेना, वो आपको काफी हेल्प करेगा. और अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऐप पे जाके एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज है, 99 रुपीज में, वो भी आप ले सकते हो. उनके क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ऐप को डाउनलोड कर लो, नीट का कोर्स उस पे स्टार्ट हो चुका है. ये सिर्फ प्रायर इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ थोड़ी सी. नीट का कोर्स उस पे अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. सेकेंड क्लास, 2 क्लासेस उसकी हो चुकी है. थर्ड क्लास विल बी ऑन मंडे. ओके, सो जस्ट डाउनलोड द ऐप, लिंक इज गिवन बिलो. चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. सो लेट्स गेट गोइंग गाइज. वी आर गोइंग टू गो ऑन टू सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन. इतना कोई करने की हमें जरूरत नहीं है. सो जिस तरह से हमने सॉलिड स्टेट में किया था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ले स्ट्रेस करना है, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उनको एक बारी ओवरलुक कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है. ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें सारे आंसर्स एक दूसरे से काफी क्लोज रहते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो सॉल्यूशन डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिनकी कॉम्पोजिशन वेरी कर सकती है एक सर्टन फिक्स्ड लिमिट में. होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल साइज होता है, दैट इज फ्रॉम 10^-9 टू 10^-7 मीटर्स. डिसॉल्व सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और मीडियम जिसमें डिसोल्यूशन होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. और सॉल्यूशन को जब हम बोलते हैं कि उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं उसको बाइनरी बोलते हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं उसको टर्नरी बोलते हैं, 4 कंपोनेंट्स को क्वार्टनरी बोलते हैं. 1 मिनट. और फोर वालों को हम क्वार्टनरी बोलते हैं, पर इस पूरे चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, 2 कंपोनेंट्स वाली सॉल्यूशंस पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में अगर आपके पास सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं. इस टेबल में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग फर्स्ट वाले सेक्शन में. ओके, अलॉय सच एज ब्रास, सॉलिड और लिक्विड, एग्जाम्पल शुगर और NaCl इन वॉटर, सॉलिड इन गैस, आयोडीन और कंप्यूटर वेपर. नहीं होता है ये, मेरी टाइपिस्ट भी कमाल है. राइट, कैम्फर के वेपर्स इन एयर, दैट इज एन एग्जांपल. आयोडीन और कैम्फर वेपर्स इन एयर, लिक्विड लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, लिक्विड सॉलिड, मर्करी इन जिंक, मलगम जिसको हम बुलाते हैं, लिक्विड गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर. ऐसे ऐसे काफी तुमको मजेदार सी एरर्स मिल सकती है. राइट, सो दिस इज कैम्फर गाइज, इट इज नॉट कंप्यूटर. गैस गैस, एयर गैस, लिक्विड एरेटेड ड्रिंक्स, गैस सॉलिड, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल्स,
सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब इसमें से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो स्टार लगा लो, राइट. सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स, जब दो लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं, मिक्सचर जो है इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कॉम्पोनेंट्स ऑलमोस्ट इमिसिबल होते हैं. इमिसिबल मतलब सॉल्युबल नहीं होते. इसमें एक लिक्विड इज पोलर व्हाइल द अदर इज नॉन पोलर इन नेचर. सो एग्जाम्पल बेंजीन एंड वॉटर, दे आर नॉट गोइंग टू मिक्स विद वन अनदर. कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वॉटर, बेंजाइन एंड एल्कोहल, ओ यस, ऑयल एंड वॉटर ऑल्सो, ये इनमिसिबल लिक्विड है. मिसिबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोनेंट मे बी पार्शियल, कुछ थोड़े से मिसिबल हो सकते हैं. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ वन लिक्विड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ द अदर. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईथर एंड वॉटर, एंड वॉटर एंड फिनोल. फिनोल भी मिक्स होता है ना, बट आप देखते हो थोड़ा क्लाउडी सा मिक्सचर हो जाता है जब आप फिनोल उसमें डालते हो. निकोटिन एंड वॉटर, सो दीज आर पार्शली मिसिबल. फिर कंप्लीटली मिसिबल हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, दोनों पोलर है, अल्कोहल भी पोलर वाटर भी पोलर. नॉन पोलर लाइक बेंजीन एंड नॉर्मल हेक्सेन, सो दीज आर कंप्लीटली मिसिबल. हम लोग यहाँ पे मिसिबल लिक्विड्स की भी बात करने वाले, और हम लोग यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड्स की बात नहीं करेंगे बट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की बात भी करेंगे. कॉज ऑफ मिसिबिलिटी, सो दिस वी नीड नॉट नो. This is for the competition. Solution of gases and liquids. Basically, ये जो तीनों type of solutions होते हैं जिसमें liquids या solvents होता है, इनको हम लोग liquid solutions बुलाते हैं, और यही हमने करने हैं. So, तीन तरह के हम करेंगे, liquid in liquid, gas in liquid, solid in liquid. Okay? So, solution of gases and liquids. All gases are soluble in water. तभी oxygen, carbon dioxide, ये सारे soluble ही होते हैं. कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं. वो डिपेंड करता है ऑन द कंडीशंस. सॉल्युबिलिटी इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. जितनी ज्यादा लिक्विफिएबल गैस होती है उतनी ज्यादा सॉल्युबल होती है. लिक्विफिएबल गैस का मतलब क्या हुआ कि जितनी इजिली हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं. लिक्विफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर. जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उतनी गैस ज्यादा लिक्विफिएबल होती है और उतना ही ज्यादा इट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल. एग्जाम्पल इज सल्फर डाइऑक्साइड, ammonia, which have higher critical temperatures, they can be easily liquefied. Hence, they are more soluble than rest of the gases. Nature of the solvent. अब solvent के ऊपर वही आ जाएगा आपका कि जितना ज़्यादा easily solvent जो है gas को dissolve कर पाएगा, forces of attraction viable रहेंगे, उतनी ही solubility ज़्यादा होगी. Temperature, solubility decreases with increase in temperature. क्यों? क्योंकि solubility exothermic process है. Important question है ये. Solubility of gases in liquids is an exothermic process. Temperature जब हम increase करते हैं तो exothermic processes की solubility कम हो जाती है. एक reason हम ये दे सकते हैं. Second reason जो आपका आ सकता है, that is कि जब भी solubility होती है तो temperature अगर हम लोग increase करेंगे तो kinetic energy gas molecules की increase हो जाएगी. As a result, they can easily leave the surface of the liquid. So two reasons we can give why the solubility of gases decreases with increase in temperature. Important, star laga lo, NCERTs apne saath rakha karo, copy pencil apne saath rakha karo. Jahan pe main important points bolti hu wahan pe unko note down kara karo, kyunki wo short short aapke questions hai. Exam ke baad yaad karoge ki ma'am ne aise class mein bola tha. Okay, pressure, kyunki gas hai, definitely pressure apply karenge to gases zyada soluble hongi. Increase in pressure will increase the solubility. Increase in temperature will decrease the solubility. Causes of miscible gases, need not know this. Okay, फिर उसके बाद हमारे पास आज जाता है Henry's law. Now over here, चलो एक बार इसको read मार लेते हैं, reading मार लेते हैं. Generally gases which can be easily liquefied, they are more soluble. मैंने यही सब आपको बताया. That is why I was not doing it. For example, carbon dioxide is more soluble than hydrogen or oxygen in water. The gases which are capable of forming ions in aqueous solutions are much more soluble due to hydration of ions than in the solvents. Gases like hydrogen, chlorine and ammonia are highly soluble in water but not in organic solvent in which they do not form ions. Okay, solubility of most gases in liquids decreases with increase in temperature. Yahi bataya maine aapko. However, some gases are more soluble at higher temperature than lower. These are exceptions. The most important factor that influences solubility of a gas in liquids is going to be pressure.
The quantitative connection between solubility and pressure is given by the Henry's law. According to this law of gas dissolved by given volume of a liquid at constant temperature is proportional to the pressure of the gas. So it has been found that most gases, they will obey the Henry's law, provided conditions hain. Pressure is not very high. ठीक है, प्रेशर बहुत हाई होगा तो हेनरीज लॉ ओबे नहीं होगा. टेम्परेचर इज नॉट टू लो. द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल एंड डज नॉट एंटर इनटू अ केमिकल कॉम्बिनेशन विद द सॉल्वेंट. द गैस डज नॉट डिसोसिएट. तो ये चार कंडीशंस असेंशियल है. अब हेनरीज लॉ बोलता क्या है? ओ, हेनरीज लॉ तो दिया ही नहीं. सो लेट्स टेक आवर बोर्ड. हेनरीज लॉ क्या बोलता है वो तो देख ले. ओके, सो हेनरीज लॉ ये बोलता है बच्चे दैट मैथमेटिकली तो हेनरीज लॉ होगा. अभी आगे न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसके जरूर, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि मास ऑफ अ गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ओके, और एक्स प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. ओके, और प्रेशर ऑफ द गैस that is equal to kh into x, where kh that is known as the Henry's constant. क्या बुलाते हैं उसको? That is known as the Henry's constant. ठीक है, सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द हेनरीज कांस्टेंट. नाउ कॉज ऑफ मिसिबिलिटी, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे कि कैसे करना है अभी क्लास में. कॉज ऑफ मिसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, द बेसिक कॉज एट्रिब्यूटेबल टू सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट कैन बी समड अप लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर. जो सॉल्यूट्स हैं वो किस पे डिजॉल्व होंगे, किसको पता है? इन पोलर. और नॉन पोलर किस में होंगे? इन नॉन पोलर. तो वाटर में पोलर जितने भी होंगे और आयनिक जितने भी होते हैं सॉल्यूट्स, वो सारे डिसॉल्व होते हैं, राइट? सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक. जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ अगर हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जितने भी प्रोसेसेस एंडोथर्मिक होते हैं, तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे क्या है? लेट अस सी. हम लोग बोल रहे हैं solubility of solids in liquids. Number one, इसके ऊपर depend कर रहा है principle like Dissolves like, माने पोलर जो है वो पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में. जब हम लोग टेम्परेचर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. सो वेन एवर वी आर लुकिंग एट द टेम्परेचर गाइस, टेम्परेचर में हमारे पास तीन तरह के प्रोसेसेस हम देख रहे हैं. द फर्स्ट वन दैट इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर सॉल्यूशन ले रहे हो या आप AgNO3 सॉल्यूशन ले रहे हो या आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ले रहे हो, इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सेकेंड हमारे पास आते हैं एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब
कि ऑल दोज प्रोसेसेस इन विच हीट इज गिवन आउट. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल रिवर्स प्रोसेस विल टेक प्लेस, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं. अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल ले लो. लिथियम सल्फेट इज वन एग्जाम्पल. एंड अनदर एग्जाम्पल व्हिच यू कैन टेक इज सीरियम सल्फेट. सीरियम सल्फेट इज अनदर एग्जाम्पल. कुछ प्रोसेसेस सॉल्युबिलिटी के ऐसे होते हैं जिसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बोथ प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड. तो जब तक वो एंडोथर्मिक है तब तक इंक्रीज करता जाएगा सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और एक्सोथर्मिक में इट इज गोइंग टू डिप डाउन. एंड दिस इज जनरली देयर फॉर ऑल द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर दैट solubility increases with increase in temperature. Kab tak? Till all the water of crystallization is lost. After that, solubility decreases. So initially, process होता है endothermic, जब तक सारा का सारा water of crystallization lose नहीं हो जाता. और इस तरह से solubility curves जो है, peaks और valleys जो है, वो इसमें form होती है. Now over here, example which we you can take is global salt, Na2SO4.10H2O. Or you can take MgSO4.7H2O, which is Epsom salt, right? So in sab mein, jab tak water of crystallization loose hoga, tab tak what is going to happen? Solubility increases with increase in temperature. Once it is lost, water of crystallization is lost, then solubility starts decreasing. So initially the process is endothermic and then it is exothermic. Okay. Now again methods, modes of expressing concentration, guys, this is important. इसमें से हमको कोई एक numerical आ सकता है. Molarity हो गई, strength in grams per liter upon molecular mass of the solute, which is equal to weight of the solute in grams upon molecular weight of the solute, into 1 upon volume of the solution in liters. So this is weight of solute, W upon M, which is the number of moles, into 1 upon volume of solution in liters. अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम आपको मिलीलीटर्स में दिया है तो ऊपर 1000 आ जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है मोलालिटी. अगेन देयर इज अ टाइपिंग एरर ओवर हियर. ये मोलालिटी है, स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको. मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम. मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इन 2000. अगर केजी में दिया है तो इनटू 1000 नहीं करना है. ठीक है, सो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स. राइट, देन वी कम टू नॉर्मलिटी. तो नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. इसको हम एन से डिनोट करते हैं. अ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम नॉर्मल सॉल्यूशन बुलाते हैं. नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू strength in grams upon equivalent weight, example weight nahi hai, this is equivalent weight of the solute into 1 upon volume of the solution in liters. So you know how to calculate the equivalent weight. Theek hai, so strength in grams yahan aap le sakte ho, yahan pe w weight in grams upon equivalent weight into 1 upon volume of solution in liters. Agar volume milliliters mein di hai to hum 1000 ke sath multiply kar denge. Relationship between normality and molarity, normality upon molarity, that is equal to molecular weight upon equivalent weight, which is equal to n, or normality is equal to n into molarity. ठीक है, so कहीं पे आपको अगर suppose molarity दी है और normal solution बनाना है तो ये वाला आप relationship use कर सकते हो.
normality that is equal to n into polarity, right? अब one normal solution का मतलब क्या हुआ? Normal n by 2 को हम बुलाते हैं semi-normal, n by 10 को deci-normal, n by 100 को centi-normal, n by 1000 को milli-normal. ये सारे आपके उसके competition के questions आ सकते हैं ऐसे. Formality ionic solids के लिए use किए जाते हैं, which dissolve in polar solvent to give cations. So formality is equal to amount of solute in grams per liter of the solution upon gram formula mass of the solute. Remember, this is revision. We are not going to go into a lot of detail. जो आपको सबसे important points है, that I am telling you, mole fraction x, x अगर आप 1 या x a find करते हैं, that is n a upon n a plus n b, और x b find करते हैं n b upon n a plus n b. Okay, so over here x 1 या x a plus x b that is always equal to 1. We are only considering the binary solutions, so we are taking two components over here. ठीक है. Now that the units of molality and mole fraction are based upon the weights of solvents. These units are preferred to molarity, normality, formality, which are based on volume because it is easier to determine the weights of solvents accurately than volume. So generally हम लोग mole fraction use करते हैं, हम molality use करते हैं. Normality और molarity दोनों temperature के ऊपर depend करते हैं क्योंकि वो volume के ऊपर depend कर रहे हैं, तो उनको हम generally use नहीं करते. Mole percent, it is a number of moles of a component in 100 moles of the solutes and the solvent. उसको हम express कर सकते हैं as mole percent is equal to mole fraction into 100. ठीक है. अगर एक solution है जिसके पास 0.8 moles of ammonia है and 1.2 moles of water है, तो mole fraction of ammonia क्या आ जाएगा? 0.8 upon 1.2 plus 0.8, that is 40 mole percent. ठीक है. That is equal to what? 40 mole percent. 8 हो गया ना, 8 upon 20 into 100 आपने, तो mole percent of ammonia कितना हो जाएगा? 40 mole percent. Mass fraction for a binary solution, if we are taking mass fraction, then mass fraction of A will be weight of A upon total weight into 100. Mass fraction, this is mass fraction. अगर mass percentage find करते हो into 100 करना है, mass fraction के लिए WA upon WA plus WB, और WB की mass fraction के लिए WB upon WA plus WB. ठीक है. Mass percentage, that is percentage by weight, is the weight of the component present in 100 parts. That is okay. Mass percentage के लिए आप 100 के साथ multiply कर दो. PPM, mass of one component upon total mass into 10 raised to power 6. ठीक है. So in general, PPM that is equal to centimeter cube of solute upon centimeter square of solution into 10 raised to power 6. This is easier. आप stick to this only. ठीक है. Stick to this. Mass of one component, total mass into 10 raised to power 6. 10 raised to power 6, that is equal to 1 million. Then percent by volume, volume of A. So इसको भी I'll just write it down in a simpler this thing. Mathematically, अगर हम लोग इसको देखें, तो volume percentage of A, that will be equal to V of A upon total volume VA plus VB into 100, and volume percentage of B, that will be equal to VB upon VA plus VB into 100. So this is how you calculate the volume percentage. Then guys, vapor pressure of solutions, again yahan se hamara again important part shuru ho jata hai. So a question aapko maine kisse bola, the table मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, एग्जाम्पल्स वाला, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सेकेंड हेनरीज लॉ से आ सकता है, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आ सकता है, फोर्थ इज रेनॉल्ड्स लॉ से आ सकता है. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? कि अगर हम लोग एक क्लोज्ड कंटेनर ले लें, अच्छा जी चलो फिर से देखते हैं. सो वी आर टेकिंग अ क्लोज्ड कंटेनर ओवर हियर. थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या हम इसे? Okay, so we're taking a closed container. एक तो इसमें ruler बार बार लेना पड़ता है, that is which I don't like. इतनी जद्दोजहद कौन करे? तुमने करनी है पर अच्छा, मैं lazy हो रही हूँ, तुमने lazy होना है तो फिर marks देने वाले ने भी lazy हो जाना है. ये शुक्र बना लो कि तुम्हारे को negative marking है नहीं.
पर प्रिपेयर इसी हिसाब से करो कि नेगेटिव मार्किंग भी है, कंपटीशन की तैयारी आपकी साथ साथ ही हो जानी है फिर, ठीक है। सो ये हमने एक क्लोज कंटेनर ले लिया। अब इस क्लोज कंटेनर के अंदर हम लोग कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वॉटर ओवर हियर, ठीक है। सो वी आर टेकिंग इन दिस वॉटर एंड वी आर गोइंग टू हीट दिस क्लोज कंटेनर। वी हीटिंग दिस क्लोज कंटेनर, राइट, वॉट विल हैपन, वेपर्स बनेंगे इसके। सो देर आर टू प्रोसेसेस विच आर गोइंग टू टेक प्लेस ओवर हियर, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जो वेपर्स हैं दे विल हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गेट कंडेंस्ड एंड गेट बैक, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर, दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाते हैं। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो भी वेपर्स बचे हैं इन द क्लोज कंटेनर वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और उसको हम बुलाते हैं वेपर प्रेशर, राइट। अब व्हाट हैपेंड वाज कि इस तरह से वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर दिया गया। जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर के ऊपर। नेचर ऑफ द लिक्विड, अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। टेम्परेचर हाई होगा तो ज्यादा वेपर बनेगा और ज्यादा वेपर बनेगा, ओके। नाउ रियल्स ही स्टेटेड अ लॉ, अगर हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड्स ले रहे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से हुए, विच आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, तो हम लोग उसके पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोल फ्रैक्शन, ओके। लाइक इफ यू टेकन टू लिक्विड्स इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे हमने वॉटर लिया था, अगर सपोज हमने दो लिक्विड्स उसमें लिए, इथाइल अल्कोहल और वॉटर लिया है, तो वेपर प्रेशर जो ए का होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स ए इंटू पी ए नॉट, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर, हियर पी ए इज द पार्शियल प्रेशर, पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट एंड एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट ए जो कि हमने डिजोल्व करा है। उसी तरह से PB का भी क्या हो जाएगा, PB that would be equal to XB into PB naught. Total vapor pressure क्या हो गया, P is equal to XA PA naught plus XB PB naught. Okay, this is your Reaul's law. इसके ऊपर questions जो हैं वो मैंने multiple choice questions जो solid solutions के हैं उसमें discuss किए हुए, please go through that once, right? So if you are drawing a graphical representation, ये पहले जब सब्जेक्टिव एग्जाम आता था तो ये बड़ा ज्यादा आता था, आई यूज टू पुट अ डबल स्टार ऑन दिस, बट नाउ इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सो मे बी इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिकल क्वेश्चन, मे बी इट डज नॉट, सो यू शुड एटलीस्ट नो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये एक्स ए जो है, ये देखो यहां से एक्स ए इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी उसका इंक्रीज कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सॉरी एक्स B इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी एक्स बी का इंक्रीज कर रहा है। एक्स ए वन से लेके जीरो जा रहा है और एक्स बी जीरो से लेके वन जा रहा है, और यहां से जब आप जा रहे हो यू कैन सी ना, ये वेपर प्रेशर जो है A का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर विच इज गिवन बाय दिस ग्राफ, दिस इज पी बी नॉट एंड दिस इज पी ए नॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ B ये वाला कर्व दे रहा है, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ये वाला कर्व दे रहा है पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ठीक, डन। लेट्स गो ऑन टू द मैथमेटिकल एस्पेक्ट ओवर हियर, सो पी इज इक्वल टू पी ए, अगर हम लोग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लेते हैं, चलो एक बारी इसको डिराइव ही कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है डेरिवेशन की, फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट अस ट्राई टू ड्राइव इट। अब क्या बोल रहा है रियल्स लॉ, पी ए दैट इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए एंड पी बी दैट इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अगर हम लोग एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हैं विच इज बी, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट विच इज बी which has a
mole fraction of xb. In this case, the value of pb that will become equal to 0. So we can write down over here that total pressure P will only be due to what? Due to PA. Okay? Or it is equal to PA naught into XA. That is going to be the total pressure P upon P naught, that is equal to XA, subtracting both sides by 1, we will get 1 minus PS, le lete hain isko, vapor pressure of the solution, upon P naught, that is equal to 1 minus XA, or P naught minus PS upon P naught, that is equal to X. So this is how you derive the Reaulx law for non-volatile solutes, and this is going to be your expression. Done? Very, very good. So, is pe hume numericals aa sakte hain, guys. So, again, Reaulx law pe, is pe, ye kyunki aapka us pe bhi aa jayega. Colligative properties mein bhi relative lowering in vapor pressure ke under bhi aa jata hai. Then, what are ideal solutions and non-ideal solutions? Ideal solutions mein all forces of attraction are going to be same. AA is equal to BB is equal to AB. Delta H mixing 0, delta V mixing is also 0. Okay? So that is what it obeys the Reaulx law over entire range of temperature, entire range of concentration. There should be no volume change on mixing the components, that is delta V mixing is 0. There should be no heat change on diluting the solution, delta H dilution is 0. So that is what ideal is. Non-ideal may forces of attraction, they are going to be different. AA and BB is different than AB, right? Ab isme delta H mixing not equal to 0, delta V mixing not equal to 0. Do tarah ki deviations aati hain. One is positive deviation. Positive deviation mein molecular interaction between AB are weaker than AA and BB, such that more vapor pressure is formed. You can see there's an upward curve everywhere. Okay. अब यहाँ पे examples जो आप ले सकते हो, that is ethyl alcohol and chloroform, delta V mixing, delta H mixing always positive, ethyl alcohol and chloroform, propyl alcohol and water, ethyl alcohol and N-heptane and acetone, water are examples of this type of solution. Next हमारे पास आ गया azeotropic mixture, some composition of component, अच्छा this we will come to later guys. Non-ideal solutions which show negative deviation. Ab isme jo AB hoga, that is going to be stronger than AA and BB. Okay. So, delta V mixing and delta H mixing for this is going to be negative. They will have negative values. So, you can see the graph over here. Okay. Azeotropic mixtures kaun se hote hain? Constant boiling mixtures. Right? These are the constant boiling mixtures. Us mixture pe hum log dono components ko distill kar sakte hain. Right? Then we go on to positive deviations. A solution of ethanol and cyclohexane shows positive deviations from Reaulx law. In pure ethanol, the molecules are hydrogen bonded. Right? So, when we mix the molecules of cyclohexane, get in between the molecules of ethanol. That is how forces of attraction decrease. And in negative deviation, mein hydrogen bonds ban jayenge. Kya ho raha hai? Positive deviations, mein hydrogen bond break. And in negative deviation, mein hydrogen bonds ban rahe hai. Right? So, yahan pe hamare paas, I have given you a table for examples. Toluene plus benzene. Nearly ideal solutions aa gayi. Mixtures showing positive deviation, CCl4 plus CHCl3. Mixtures showing negative deviation, acetone plus CH2. So, this table you can just go through. Ye aapko help karega. Agar suppose aapko ek mixture de diya aur bola ki batao ki ye kaun si deviation show kar raha hai, positive show kar raha hai ki negative show kar raha hai. So, this can help you. Okay. Also, remember positive deviation mein kya hoga?
कि दोनों कंपोनेंट्स के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जब मिक्स होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो दे आर गोइंग टू शो पॉजिटिव डिविएशंस। और नेगेटिव डिविएशंस कौन शो करेगा? जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है पर जब बनता है तो उसमें एसोसिएशन हो जाता है, दैट इज गोइंग टू शो नेगेटिव डिविएशन। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। ओके, लिमिटेशंस ऑफ रेओल्स लॉ, ये सब हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन सबके एक्सप्रेशंस वेरी एसेंशियल। डेल्टा टीबी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, लोअरिंग और वेपर प्रेशर। डायरेक्टली वी विल गो ऑन टू क्यू, लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वेपर प्रेशर कम बनता है, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सो दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। P naught minus P upon P naught is equal to XP is equal to NB upon NA plus NB. Okay, NB को हम लोग denominator neglect कर सकते हैं if the mole fraction of the non-volatile solute that is very very less, right? Determination of molar masses यहाँ से आप कर सकते हो NB और इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा and this is going to be your final this thing from which you can calculate the molar mass MB of the non-volatile solute. Elevation in boiling point delta TB, so delta TB ka expression TB minus TB naught, where TB is the boiling point of the solution, TB naught is the boiling point of the pure solvent. Delta TB that is directly proportional to delta TB. This is for your competitions. हम लोग ज्यादा interested हैं इस वाले expression में, delta TB that is equal to XB or delta TB is equal to KXB, where K that can be molality. तो हमारे पास जो final relationship आ जाता है delta TB का, that is going to be this. Delta TB that is equal to KB into M. KB is the boiling point constant or ebullioscopic constant. Molality का आपको formula पता है, right? और molar mass अगर हमको calculate करना है तो delta TB that is equal to KB WB upon MB into 1000 upon WB. Done hai ji? So this is delta TB. So this is not of any concern. क्योंकि KB की वैल्यू आपको दे रखी होगी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का सीधा हम लोग न्यूमेरिकल बेस पे आ जाते हैं, डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, वेयर TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरह से डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो डेल्टा टीएफ की वैल्यू और मोलर मास फाइंड करने के लिए डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम बी फ्रॉम हियर, एम बी दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ अपॉन डब्ल्यू ए। डन है, राइट? सो नेक्स्ट वी कम टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कुछ करने की हमें जरूरत नहीं, ऑस्मोसिस में भी हम लोग डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ जाते हैं आए, और उसका हम न्यूमेरिकल वो ले लेते हैं। दिस इज ऑल फॉर योर रेफरेंस, ये नोट सारे ऐप पे हैं। तो पाई दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी आर टी, लेट मी गो टू माय दिस थिंग, पाई की वैल्यू क्या आ गई, सी आर टी वेयर सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी, राइट? फॉर आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस pi 1 that is equal to pi 2, pi 1 upon pi
2, that is equal to C1 upon C2. अगर एक की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है तो आप दूसरी की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हो. सो दिस इज आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन. हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में पाई 1 की वैल्यू होगी लेस देन पाई 2 और हाइपरटॉनिक में पाई 1 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन पाई 2. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर गाइस. रिवर्स ऑस्मोसिस भी है एक फंडा, उसको आपने एक बारी रीड करना है. उसमें सिर्फ हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द ऑपोजिट साइड सो दैट the solvent moves from its lower concentration towards its higher concentration. ठीक है, I hope I've made the entire chapter very clear to you. Next हमारा P block आएगा, but P block लंबा है थोड़ा, marks भी उसके काफी ज्यादा है, तो हम लोग उसको दो parts में करेंगे. We cannot complete it in one part because we have to do group 15, 16, 17 and 18. चार groups हमने करने हैं. ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दो में कंप्लीट करें. हेलोजन्स और जो हमारा नोबल गैसेस है वो छोटा टॉपिक है. नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है. सो लेट मी सी हाउ आई कैन मेक अ गुड एंड कंफर्टेबल प्रेजेंटेशन फॉर यू फॉर पी ब्लॉक. राइट, टिल दैट टाइम इसको करो, सॉल्यूशंस वाले न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो देखो, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप MCQs ले सकते हो फ्रॉम द ऐप. Download the app. Link is given below. You guys, happy studying. Bye-bye.